स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, मनोज पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के बाद अब समाजवादी पार्टी के एक और कद्दावर नेता अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी का आलम ये है कि ये नेता जल्दी ही समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर नया सियासी ठिकाना तलाशने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भले ही यूपी के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से दोस्ती कर कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नाराज रेवती रमन सिंह 8 बार के विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। प्रयागराज के रहने वाले रेवती रमन सिंह मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। वो यूपी सरकार में कई बार मंत्री और समाजवादी पार्टी में महासचिव भी रहे हैं। रेवती रमन सिंह और उनके पूर्व मंत्री बेटे उज्जवल रमन सिंह पार्टी में पिछले कुछ दिनों से खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले रेवती रमन सिंह को महासचिव पद से हटाया, उसके बाद राज्यसभा चुनाव में भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। रही सही कसर अखिलेश यादव द्वारा इलाहाबाद लोकसभा सीट समझौते में कांग्रेस के लिए छोड़े जाने वाले फैसले ने पूरी कर दी। रेवती रमन सिंह लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट से अपने बेटे और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री उज्जवल रमन सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी में थे। सूत्रों के मुताबिक रेवती रमन सिंह और उनका परिवार अखिलेश यादव से इस कदर नाराज है कि उन्होंने अब पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली है। अगले 2 हफ्तों में इसका औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। हालांकि नए सियासी ठिकाने को कर अंदर खाने में अभी से खिचड़ी पकने लगी है। जानकारी के मुताबिक रेवती रमन का परिवार पिछले कुछ दिनों से देश की 2 बड़ी पार्टियों के संपर्क में है। 8 बार विधायक, 3 बार सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार में कई दफा मंत्री रह चुके रेवती रमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। किस बात को लेकर के नाराजगी चल रही समाजवादी पार्टी से? देखिए, समाजवादी पार्टी से जब तक बहुत समय से विचार विमर्श चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। दूसरा कारण यह है कि इलाहाबाद की परंपरागत समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है और यहाँ के वोटर भी जो PDS के सो कॉल्ड वोटर हैं, चाहते थे कि समाजवादी पार्टी ये सीट कांग्रेस को दे दी गई। कांग्रेस के पाले में कांग्रेस जबकि चाहती भी नहीं थी, तो स्वाभाविक है तो लोगों में नाराजगी है, उससे हमको भी नाराजगी, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। 2 मुख्य बातें आपने बताई कि एक तो लंबे वक्त से संवाद स्थापित नहीं हुआ, तो आखिर कितना वक्त से आपकी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है? और साथ ये इसी में जब मुलायम सिंह जी की क्लास आई थी उसी में हम गए थे, यानी 2-2.5 साल हो गए। और इसके अलावा बात की जाए, अगर जो टिकट की बात की जा रही कि ये आप कह रहे परंपरागत सीट थी समाजवादी की, तो कांग्रेस को जब ये टिकट सीट दिया गया तो क्या आपसे सलाह मशवरा किया गया, कोई बातचीत की गई, कोई संवाद स्थापित किया गया? कोई बातचीत नहीं। तो मुलायम सिंह यादव की कार्यशैली की बात की जाए और अखिलेश यादव की कार्यशैली की बात की जाए तो क्या फर्क दिखता है? दोनों में अलग अलग कार्यशैली है, मुलायम सिंह की अलग है, अखिलेश जी की अलग है, सबकी अपनी कार्यशैली। अखिलेश यादव मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पल्लवी पटेल की बात की जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चले गए, इसके अलावा मनोज पांडे और जिस हिसाब से लखनऊ में क्रॉस वोटिंग चल रही है, क्या कहेंगे? पल्लवी पटेल ने बहस किया था लेकिन वोट तो दिया है उन्होंने जी। तो आपका रुख किधर होगा, किसी पार्टी के संपर्क में आप या कोई आपसे संपर्क कर रहा है? किधर आप जाएंगे अभी कुछ कहा जाए? समय बताएगा जी, बिल्कुल। तो समय बताएगा, रेवती रमन सिंह का साफ तौर पर ये कहना था। लेकिन आगामी उत्तर लोकसभा चुनाव में जो मामला है वो पूरी तरह से दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद, वो अब समाजवादी पार्टी को एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि अभी रेवती रमन सिंह का जो साथ है वो समाजवादी पार्टी के ही साथ है। भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक पांडे, प्रयागराज।